फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इस क्लास में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आमिर और आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स करने ही से आपकी कन्फ्यूजन, उलझन जो इस टॉपिक के और लेसन के हवाले से होगी वो दूर हो सकती है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको समझाता चलूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान। हम अक्सर अपने रोज़मर्रा लाइफ में जुमले कहते बोलते हैं कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, हम सो चुके होंगे। तो ऐसे जुमले जिनमें हम आने वाले वक्त में कोई अंदाज़ा, कोई गैस करते हैं, लेकिन वो गैस या अंदाज़ा कंप्लीट हो चुका होगा, वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। उसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट विल हैव और विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल सेंटेंस में और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है, वो ख़त लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटन थर्ड फॉर्म है राइट की, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, बार बार जुमले बनाएंगे, तभी ही आपको इंग्लिश ग्रामर आएगी। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो कमेंट्स करें, जुमले बनाएं, बेशक गलत बनाएं, कोई शर्माने की, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं चाय पी चुका हूँगा। आई विल हैव टेकन टी। यहाँ पे टेकन टेक की थर्ड फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, टेकन वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो। वो वर्जिश कर चुके होंगे। दे विल हैव टेकन एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज कर चुके होंगे। यहाँ पे टेकन टेक की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो उसकी मदद कर चुका होगा। ही विल हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अम्मी खाना बना चुकी होगी। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड मील। यहाँ पे प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म है। याद रहे कि तमाम सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही आएगा, किसी और सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ नेगेटिव है, तो इसमें विल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। इस बात का ख्याल रखें, आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। विल और उसके बाद नॉट और फिर हैव आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कभी उसके घर नहीं जा चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव गॉन टू हिज होम। या आई विल नॉट नेवर गॉन टू हिज होम। आई विल नॉट हैव नेवर गॉन टू हिज होम। क्या वो मुझे भूल चुका होगा। विल ही हैव फॉरगेटन मी। क्या वो मुझे भूल चुका, सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव है। विल स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म और मी ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, क्या हम इम्तिहान पास कर चुके होंगे। विल वी हैव पास्ड द एग्जाम। दोस्तों, ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।